गुड मॉर्निंग एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन यूर लाइफ इन टूडे इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटायरली न्यू डिफरेंट टॉपिक दैट इज ग्रुप थ्योरी एक्चुअली समिट्री इज प्रजेंट ऑल ओवर जैसे हमारे पास अगर हम अपने नेचर में ऑब्जर्व करें तो हमारे नेचर में भी सिमिट्री एग्जिस्ट करती है इफ़ यू ऑब्जर्व द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स we observe that something symmetrical is existing if i am uh, if i am drawing straight line and i am writing words like this 1 2 3 4 you are able to judge whether these words are writing in straight line or not तो इस तरह से हमारे पास हमारी नेचर ने हमें गिफ्ट के रूप में क्या दी हैं दो आइज़ जो जस्टिफाई कर सकती हैं कि सिमिट्री क्या चीज़ है लेकिन इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई दैट थिंग वेदर दैट थिंग इज़ सिमेट्रिकल और नॉट ये हमें कैसे पता चलेगा ग्रुप थ्योरी तो हम ग्रुप थ्योरी बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता है कि स्केयर हमारा ज़्यादा सिमेट्रिकल है फ्रॉम रेक्टेंगल लेकिन उस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए कि वो कितना सिमेट्रिकल है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू ग्रुप थ्योरी दैट मीन्स हमारे पास नेचर में सिमिट्री एग्जिस्ट करती है हमें दो आइज़ दी गई हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ सिमेट्रिकल है और ये चीज़ सीमेट्रिकल सिमेट्री में नहीं है इवन के जैसे हमारे ये फिंगर्स हैं ये हमारी एक बड़ी छोटी तो हम इससे भी जज कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो उसी तरह से इस चीज़ को क्वांटिफाई करना कि कोई चीज़ कितनी सीमेट्रिकल है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ग्रुप थ्योरी ठीक जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में जो लैंग्वेज है हम उनसे वर्ड यूज़ करते हैं द वर्ड सिमिट्री विद द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड हारमोनी जो सिमिट्री इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर सच एज इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्रिसलाइन सॉलिड्स और मॉलिक्यूल्स सिमिट्री हर एक चीज़ में है जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है न्यूक्लियस या बहुत ज़्यादा लेफ़्ट में है या बहुत ज़्यादा राइट में नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है नेचर ने हमें सिमेट्री प्रोवाइड की हुई है द स्केयर इज सेट टू बी मोर सीमेट्रिकल देन रेक्टेंगल ड्यू टू फैक्ट दैट ऑल दी साइड्स ऑफ स्केयर आर इक्वल क्योंकि हमें लगता है कि स्केयर ज़्यादा सिमिट्रिकल है रेक्टेंगल से क्योंकि उसकी सारी साइड्स क्या हैं बराबर हैं लेकिन रेक्टेंगल की दो साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं हाउ एवर वन कैन क्वालिटे क्वान्टिटेटिवली सेट स्केयर इज़ मोर सीमेट्रिकल दैन प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिट्री एलिमेंट्स एंड समिट्री ऑपरेशन इन एट लेकिन अगर हमने ग्रुप थ्योरी की फॉर्म में बात करनी हो तो हम क्या बोलेंगे कि स्केयर के जो समेट्रिक ऑपरेशन होंगे या सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो रेक्टेंगल से ज़्यादा होंगे इसलिए शायद हमारा जो स्केयर है वो ज़्यादा सिमिट्रिकल है फ्राम रैक्टेंगल राइट right? ये था हमारा इंट्रोडक्शन मैंने इस नोट्स के लिए मैंने जो बुक रेफर की हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री की पठानिया और के वी रमन ग्रुप थ्योरी इन दोनों से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है सिमिट्री एलिमेंट और सिमिट्री ऑपरेशन सिमिट्री एलिमेंट क्या है द सिमिट्री एलिमेंट इज ए जोमेट्रिकल एंटाइटी सच एज पॉइंट लाइन और प्लेन अबाउट विच सिमिट्री ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड आपने क्या करना है जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे सिमिट्री एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट क्या होगा ऐसा पॉइंट ढूंढो ऐसी लाइन ढूंढो या ऐसा प्लेन फाइंड आउट करो जिसके अराउंड आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो तो आपको ऐसा लगे कि कुछ चेंजेस नहीं हुए वो आपको वैसे ही अपीयर हो राइट right? समिट्री ऑपरेशन क्या है उस पॉइंट उस लाइन उस प्लेन के अराउंड आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो सारे के सारे कंडीशन क्या है उसकी कन्फिग्रेशन क्या रहनी चाहिए इक्वलेंट हो जानी चाहिए इक्वल और इक्वलेंट में फ़र्क होता है इक्वल में जैसे एग्जैक्टली द सेम मैंने बोला कि यहाँ पर एक दो तीन चार अगर मैं यहाँ पर रोटेशन अप्लाई कर रही हूँ सपोज़ मैंने यहाँ पर मैंने रोटेशन अप्लाई किया वन टू थ्री फ़ोर तो अभी एग्जैक्टली इक्वल कन्फिग्रेशन मुझे कब मिलेगी जब exactly एक यहाँ पर हो दो यहाँ पर तीन यहाँ पर चार यहाँ पर उसके अलावा मैं जो भी चेंजेस करूँगी वो सारे के सारे कन्फिग्रेशन क्या होंगे इक्विलेंट होंगे राइट right? तो यहाँ पर हमने क्या करना है हमारे पास पांच सिमेट्री ऑपरेशन है जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपको लेंथ इसी स्केल से मेज़र करनी है तो इसका मतलब आपको एक मेजरमेंट दे दिया कि आपको इसके बिहाफ पर ही डिसाइड करना है कि इस चीज़ की लेंथ कितनी होगी ठीक उसी तरह से ग्रुप थ्योरी में आपको पांच मिट्री ऑपरेशन दे दिए हैं आपने हर एक मॉलिक्यूल पर वो पांच सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उनके बिहा पर जिसके एल ऑपरेशन या एलिमेंट्स नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे आप बोल दोगे कि वो चीज़ ज़्यादा सीमेट्रिकल है उस चीज़ के कंपेरिजन में ठीक तो इसका मतलब दोनों चीज़ें एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है अगर एक बार से बेसिक दिमाग में बैठ गया फिर कॉन्सेप्ट चलते चले जाएंगे लेकिन अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम आ गई फिर डिफिकल्ट होगा सबसे पहले क्या करना है सिमिट्री एलिमेंट दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड ऐसा पॉइंट ढूंढो अपने मॉलिक्यूल में ऐसी लाइन ढूंढो या ऐसा प्लेन ढूंढो जिसे अप्लाई करो और वो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ठीक हम एग्जांपल के तौर पे ना एक रेफ़रेंस साथ में लेके चलते हैं सो so दैट कि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल किस किसके आइडेंटिकल सा अपीयर हो रहा है वाटर के जैसा लग रहा है ग्रुप थ्योरी में एक बात याद रखना बच्चे कि आपको लोन पेयर को इग्नोर इग्नोर कर सकते हो लोन पेयर आप कंसिडर ना करना सिर्फ एटम्स को कंसिडर करना तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखें तो हमारा वाटर क्या होता है वी शेप होता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ किया सो दैट कि वाटर जैसा पेयर हो सेंटर में ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं हाइड्रोजन तो सबसे पहले आप सिमेट्री एलिमेंट में वो क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है अपने मॉलिक्यूल के अंदर या ऐसी लाइन ढूंढनी है सबसे पहले आप पॉइंट ढूंढो क्योंकि उसी पॉइंट के अलाग आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और उसी पॉइंट के अलाग आप प्लेन भी ड्रा कर सकते हो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक प्लेन में पड़ा हुआ है इसका वो पॉइंट कौन सा है जिसके अलॉन्ग आप सिमिट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो ये ऑक्सीजन के सेंटर वाला एग्जैक्टली exactly सेंटर पे क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और आधा ये हाइड्रोजन इधर रह जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर रह जाएगा क्लियर सबसे पहले आपने क्या ढूँढना है हर एक मॉलिक्यूल में ग्रुप थ्योरी जब आप अप्लाई करोगे तो एक जोमेट्रिकल एंटाइटी ढूँढोगे वो ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड आप सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादातर बेसिकली क्या होता है मॉलिक्यूल को सेंटर मतलब ज़्यादातर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है तो यहाँ पर हमारा है यहाँ पर होगा जोमेट्रिकल एंटाइटिंग क्लियर वो यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा अभी नेक्स्ट क्या है सिमिट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं सिमिट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करोगे ऐसा पॉइंट अब आपने पॉइंट ढूंढ लिया उसके अराउंड आप पांच ऑपरेशंस अप्लाई करोगे ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर आप मॉलिक्यूल ले रहे हो उसमें वो सारे के सारे समिट्री ऑपरेशन हों ठीक लेकिन उस पांच के अलावा कोई नया नहीं होगा सबसे पहले वन बाय वन आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे सो so दैट कि आपको क्लियर हो जाए सबसे पहला हमारे पास जो समिट्री ऑपरेशन है वो क्या है सबसे पहली है हमारे पास आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या है कोई चेंज ही नहीं किया यानी कि आइडेंटिटी मॉज बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी का काम क्या है लीव्स मॉलिक्यूल अनचेंज या 360 डिग्री की रोटेशन को हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री पर कुछ भी करोगे तो वो क्या रहेगा हमारा ई e. तो हमारा जब भी हम पॉइंट ग्रुप लिखेंगे तब हमारे पास ये समिट्री ऑपरेशन तो हमेशा हो गई ये आपको हर बार अप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ई e मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर एक्सीज ऑफ रोटेशन सबसे पहले हमारे पास जो मेन समझने वाला ऑपरेशन है वो क्या है मिटरी एलिमेंट प्रॉपर एक्सीज ऑफ रोटेशन रोटेशन बाई एन एंगल ऑफ थीटा टू पाई बाई एन इसे समझना कैसे है सबसे पहले देखो आप जब भी ए मोलिक्यूल इज सेट टू पोजेस ए मोलिक्यूल इज सेट टू पोजेस ए प्रॉपर एक्सीज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑर्डर एन if rotation about the axis by an angle theta 2 pi by n leaves the molecule in a configuration which is indistinguishable from the original one yani ki aap kabhi bhi jab molecule ko rotate karoge to aap वो एंगल आपका प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल कंसीडर किया जाएगा कि आप मॉलिक्यूल को रोटेट करो और आपको पहली indistinguishable कन्फिग्रेशन मिल जाए वो मिनिमम एंगल जिस पर आप अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करो और आपकी आइज जस्टिफाई ना कर पाएं कि रोटेशन हुई है या नहीं हुई है अभी कैसे चेक करोगे एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से ये वाला मॉलिक्यूल है अगर मैं इसकी बॉल का कलर चेंज कर या हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैंने ये वाली बॉल मिसिंग कर दी वैसे ये वाटर की ये बॉल है हाइड्रोजन की अभी यहाँ पर क्या है हमने वो ऐसा एंगल क्या लेना है मिनिमम जिस पर हम रोटेट करेंगे अभी आपने इसे रोटेट करना शुरू करना है सबसे पहले आपने ज़ीरो पे रोटे ज़ीरो पॉइंट वन पर सपोज रोटेट किया तो देखो ये वाला नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ आ गया इसका मतलब अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपकी आई सामने है तो आप जज कर लोगे ना कि ये रोटेशन हुई है फिर आपने और नीचे किया फिर आपने और नीचे किया अब देखो यहाँ से भी आप जज कर पा रहे हो ना कि रोटेशन हुई है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कन्फिग्रेशन क्या थी ये थी अब मैंने आपको पहले आइस क्लोज़ करवाई फिर मैंने आपको मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करके दिखाया तो इसका मतलब आप जज कर पा रहे हो कि मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है उसके बाद क्या हुआ आपने फिर से रोटेशन करना शुरू किया फिर से ये वाला एंगल आगे की तरफ आना शुरू हो गया लेकिन आपकी आइज़ फिर से जस्टिफाई कर रही हैं कि रोटेशन हुई है अभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी आइज़ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी कि रोटेशन हुई है या नहीं लेकिन रोटेशन हुई है क्या रोटेशन हुई है ये वाला एटम पहले यहाँ था अब यहाँ तो ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके मॉलिक्यूल में आपने ढूंढनी है ऐसा मिनिमम एंगल जब आप अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करो और आपकी आइज जस्टिफाई ना कर पाए कि रोटेशन हुई है या नहीं हुई ये रहा था मॉडल अभी आप नेक्स्ट मॉडल देखो ध्यान से ये वाला ये बी एफ थ्री का मॉलिक्यूल है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कलर अलग यूज़ कर लिया ताकि जब यहाँ पर रोटेशन आए तो आपको पता चले इनडिस्टिंग्विशेबल और इक्वलेंट कन्फिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है इक, इक्वलेंट कन्फिग्रेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल में एटम्स की पोजीशन चेंज हुई है लेकिन वो एटम सेम है इसलिए आपकी आँखें उसे देख नहीं पा रही है ना तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे वो मिनिमम एंगल जिस पर आप रोटेशन करो आपकी अभी पोजीशन देखो कैसी है मेरी रिंग के पास ये वाला वा एटम पड़ा इसका मतलब ये मेरी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है अभी मैंने इसे रोटेट करना शुरू कर दिया मैंने सबसे कम एंगल का रोटेशन दिया आपकी आइज़ को पता चल गया कि रोटेशन हुई है मैंने आपकी आइज़ को जस्टिफाई हो गया कि मैंने रोटेशन किए हैं तो हमारे पास ये वाली पहली इक्वलेंट कन्फिग्रेशन है लेकिन क्या है ऐटम कौन सा था ये वाला एटम यहाँ पर आ गया ये वाला एटम यहाँ पर जो एटम था वो यहाँ पर आ गया और यहाँ वाला जो एटम था वो यहाँ चला गया इसका मतलब ऐसा मिनिमम एंगल रोट की रोटेशन जहाँ पर आपको पहली इक्वलेंट कन्फिग्रेशन मिले वो होती है आपकी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी एग्जाम में आपको कोई भी मॉडल प्रोवाइड नहीं होगा यहाँ अभी ध्यान से देखो ये वाला मॉलिक्यूल ये हमारे पास अमोनिया क्या है मैंने लोन पेयर आप इग्नोर कर सकते हो तो हम इसे लोन पेयर इग्नोर कर रहे हैं तो अभी आप ध्यान से देखो ये मॉलिक्यूल आपको कैसे लग रहे हैं कि नाइट्रोजन के ये हाइड्रोजन तीनों ट्रैंगल में हैं तो अगर मैंने इसे रोटेशन देनी हो तो ये मेरी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ये है कि ये जो वाइट वाला उठा हुआ है ये यहाँ पर होना चाहिए ये मेरी ओरिजिनल है उसके बाद अभी हम सबसे पहले क्या मिनिमम एंगल ढूंढना है कि मैं किस एंगल पर रोटेट करूं कि मुझे जस्टिफाई ना हो कि ये रोटेशन हुई है ये देखो ये आइटम यहाँ पर आ गया पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया और ये वाला आइटम यहाँ पर चला गया इसका मतलब पहली इक्वलेंट कन्फिग्रेशन हमें किस एंगल पर मिल रही है वन ट्वेंटी डिग्री पर अभी आप फिर से रोटेट करोगे तो वो वाला जो वाइट वाला था वो यहाँ पर पहुँच गया फिर से एंगल कितनी हुई है वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी अभी फिर से आप उसे वहाँ पर रोटेट करोगे वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी तीन बार रोटेट किया तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल क्या हो गया थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी का मतलब क्या है आइडेंटिटी यानी कि जब आप थ्री सिक्सटी की रोटेशन दोगे तो आपका मॉलिक्यूल घूम कर कहाँ आ जाएगा वहीं पर आ जाएगा तो इसका मतलब आइडेंटिटी आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करेगी और ये जो आइडेंटिटी की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन है बिल्कुल सेम है ना ये एटम भी यहीं पर है ये भी एटम यहीं पर है ये भी यहीं पर, ये भी यहीं पर था ये भी यहीं पर था यहीं से चले थे तो इसका मतलब जब आप ई लिखोगे उसका मतलब है कि आपकी कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है उसके अलावा आप हम मिनिमम एंगल पर रोटेट करेंगे वो वाले एंगल पर जहाँ पर आपको पहली इक्वलेंट कन्फिग्रेशन मिले ठीक तो इसी तरह से अभी हम थोड़ा सा कॉपी के बिहाफ पे करते हैं सो so दैट क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही अटैम्प्ट करना है सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है बी एफ थ्री बी एफ थ्री का मॉलिक्यूल कैसा होगा जो मैंने यहाँ पर अभी आपको शो किया था इसे हम साथ साथ में रखते हैं सो दैट कि पहली बार है फिर आपको मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर इसे मैं वैसे ही प्लेस कर रही हूँ जैसा मैंने कॉपी पे शो किया हुआ है तो अभी ध्यान से देखो मैंने एफ़ वन कैसे दिया है वो ब्लैक वाले को यहाँ पर बोरोन ये वाला बोरोन उसके बाद ये वाला मैंने एफ़ थ्री रेड वाला और एफ़ टू पर मैंने कोई भी कलर नहीं लगाया क्लियर अभी हम आप सबसे पहली रोटेशन क्या करोगे वन ट्वेंटी डिग्री पे आपने रोटेट किया रोटेट करने के बाद सिचुएशन क्या होगी रोटेशन किस साइड से कर रहे हो एरो का मतलब शो करना है यहाँ से इस साइड की तरफ आप क्या कर रहे हो रोटेशन कर रहे हो तो इस साइड की तरफ आप रोटेशन कर रहे हो तो देखो आपने पहली रोटेशन कर दी आपको कन्फिग्रेशन क्या मिली ध्यान से देखो आपका ये जो आइटम था ये F3 वाला यहाँ पर पहुँच गया F1 वाला यहाँ पर पहुँच गया और F2 वाला यहाँ पर पहुँच गया मैंने यही लिखा हुआ है तो आपके पास पहली क्यूल्ट कन्फिग्रेशन आ गई अब हमने फिर से उसे 120 डिग्री पर हम कितने एंगल तक रोटेट कर सकते हैं जब तक हमें पहली अपनी आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन नहीं मिल जाती यानी कि मोस्ट प्रोबेबली हमने अपना हर मॉलिक्यूल 360 डिग्री की रोटेशन तक लेके जाना क्लियर जैसे अभी हमने 120 से स्टार्ट किया वो मिनिमम एंगल कौन सा है इस मॉलिक्यूल के अंदर वन नेक्स्ट देखो आपने फिर से वन पर रोटेट किया किस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में तो आपने जब 120 पर उसे रोटेट किया तो आपको सिचुएशन कैसे मिली ऐसी ठीक अभी अब आप हमारा ये वाला एटम यहाँ पर आ गया ये वाला एटम F2 था वो यहाँ पर चला गया और वो थ्रेड वाला क्या था F3 था वो यहाँ पर आ गया मैंने यही कॉपी पे शो किया हुआ अब फाइनल हमारी जो रोटेशन है 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे आप फिर से उसे रोटेट करोगे अभी देखो हमारे पास फाइनल रोटेशन क्या ही है जहाँ पर चले थे ये एफ़ वन था यहाँ पर मैंने कोई कलर नहीं बोला था ये एफ़ टू था और यहाँ पर मैंने कोई कलर शो नहीं किया ये एफ़ थ्री था क्लियर तो इसका मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री आने से पहले पहले जो हमें इक्विलेंट कन्फिग्रेशन मिल रही हैं वो सारी की सारी किसके अंडर आएंगी प्रॉपर एक्सेज ऑफ रोटेशन अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि ये C3 और ये C3 थ्री स्केयर फिर ये C3 थ्री क्यूब ये क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले जब आप 360 सिक्सटी डिग्री को आपका मिनिमम एंगल क्या आया था 120 का तो इसे क्या डिवाइड किया ये बनती है आपकी सी एन यानी कि यहाँ पर वो सब्सक्रिप्ट लिखना है जिस एंगल पर आपने रोटेट किया यानी कि यहाँ पर C3 है इसका मतलब आपने कितने की रोटेशन दी है मॉलिक्यूल को 120 की अभी C3 यानी कि एक बार 120, फिर आप C3 स्क्वायर का मतलब क्या है ये 120, C3 स्क्वायर मतलब एक बार 120 प्लस दूसरी बार 120, 120 ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी दैट इज़ टू उसके बाद C3 थ्री क्यूब लिखोगे C3 थ्री क्यूब का मतलब क्या आएगा C3 थ्री क्यूब का मतलब 120 ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी दैट इज थ्री सिक्सटी उसको तो हम क्या बोलते हैं ई क्लियर तो यहाँ पर देखो अभी ध्यान से तो आपने अपने एंगल्स कैसे सेट करने हैं अभी हमारे पास अगला एंगल एग्जांपल के तौर तो पे हमें क्या है सपोज करो मॉलिक्यूल कोई नाइन्टी डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रहा है फोर्टी सॉरी फोर तो हमारे पास सी फोर आ गया तो सी फोर कहाँ तक जाएगा सी फोर वन कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे सी फोर टू सी फोर थ्री सी फोर फोर अभी देखो सी फोर वन का मतलब नाइन्टी डिग्री सी फोर टू का मतलब सी नाइन्टी प्लस नाइन्टी यानी कि वन एट्टी सी फोर थ्री मतलब नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी दैट इज़ टू सेवेंटी सी फोर फोर का मतलब नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी दैट इज थ्री सिक्सटी अभी आप सी फोर को फिर से मेंशन नहीं करोगे ये क्या है E तो अभी क्या है हर बार एग्ज़ाम में आप क्या करोगे आप सिर्फ एक मिनिमम एंगल ढूंढोगे उसके अलावा के पॉइंट्स आप अपने आप से लिख दोगे जैसे मैंने सपोज किया कि मेरा कोई एंगल सी फाइव आ गया ठीक है तो उसके मतलब मैंने सिर्फ एक एंगल ढूंढ लिया अभी मुझे बार बार एग्जामिनर को इक्विलेंट कन्फिग्रेशन बनाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं एलिमेंट सीधे मेंशन करूंगी सी फाइव सी फाइव स्क्र सी फाइव क्यूब सी फाइव फोर कहाँ तक जाना है सी एन से लेके एन माइनस वन तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके किस में इंक्लूडेड होंगे प्रॉपर एक्सीज ऑफ रोटेशन में क्योंकि जैसे ही आपका ये जो सब्सक्रिप्ट है ऊपर वाली पावर के साथ मैच किया वो क्या बन जाएगा ई तो वो एलिमेंट तो आप पहले ही लिख चुके हो ग्रुप थ्यूरी में ये रूल है आप जब भी सीमेटरी एलिमेंट्स लिखते हो तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर ये सी फोर तो फिर ई बन गया थ्री सिक्सटी डिग्री पर आ गया तो इसको छोड़ के बाकी के नीचे वाले तो इसका मतलब आपने हमने क्या याद रखना है हमने मिनिमम एंगल ढूँढना है और उसके एन माइनस वन तक के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के समिट्री एलिमेंट्स होंगे क्लियर अभी ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पर देखो ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है तो सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल में भी हम ऐसे ही करेंगे एच वन और एच टू एंगल कितना मिनिमम ढूंढोगे आप मैंने अभी ये मॉलिक्यूल रोटेट करके दिखाया था हमारा एंगल क्या आया था वन एट्टी डिग्री तो हमारा जब वन एट्टी डिग्री पे होगा तो एग्जैक्टली exactly यह हुआ था ये वाला यहाँ पर था और ये यह वाला यहाँ पर उसके बाद 180 डिग्री पे आप फिर से रोटेट करोगे तो फिर से ये रोटेट कर जाएगा तो हमारे पास H2 फिर से यहाँ पर H1 वन यहाँ पर तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly पहली कन्फिग्रेशन आ गई 360 से पहले वाली तक तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री तो हमारे पास कितना एंगल आया टू तो हमारे पास सी टू और सी टू स्केयर नहीं लिख सकते क्योंकि वन एट्टी प्लस वन एट्टी क्या है थ्री सिक्सटी तो वो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास सी टू एक्सिस है सिमिलरली हमारे पास अमोनिया में आपने क्या ढूंढे अमोनिया की जो हमारे पास प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है सी थ्री अगेन आपने कैसे मैंने दिखाया था कि आपने उसे कैसे देखना है एक में देखो ध्यान से ये एक ट्रैंगल बन रही है वन ट्वेंटी डिग्री की एकुलेटर ट्रैंगल बस अमोनिया ऊपर उठा हुआ है तो आपके पास जो ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल यहाँ से सेंटर से है इसके अराउंड आप क्या करते रहोगे मोलिक्यूल को रोटेट करते रहोगे क्लियर उसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन बेंजीन के मॉलिक्यूल को भी ध्यान से देखो बेंजीन हमारे पास कुछ इस तरह से है अभी यहाँ पर इसका एंगल्स हमारे पास बेंजीन के एंगल क्या है इंटरनल एंगल क्या है सिक्सटी डिग्री तो आप कितने एंगल पर रोटेट करोगे कि बेंजीन का मॉलिक्यूल आपको पेयर हुआ ये देखो फिर से ये यह यहीं पे आ गया सिक्सटी फिर से ये यहीं पे आ गया सिक्सटी फिर से ये यहीं पे आ गया सिक्सटी फिर से ये यहीं पे आ गया सिक्सटी तो हमारे पास कितने एंगल है थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्स दैट इज सिक्सटी डिग्री आप सिक्सटी डिग्रीज़ के मतलब बेंजीन के अंदर कौन से प्रॉपर एक्सिस रोटे प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बेंजीन की कौन सी है सी सिक्स नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री आज हम दो सिमिट्री एलिमेंट्स हम इस वीडियो में दो करेंगे बाकी के जो बेसिक के है, तीन हैं वो कल करेंगे सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप किस से डिनोट करोगे सिग्मा से सिग्मा का मतलब है हमारे पास प्लेन शो करना है तो अभी प्लेन क्या चीज़ है जहाँ से आपने प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जिस ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी से आपने एक्सिस ढूंढी थी वहीं पर अभी आप क्या करोगे प्लेन ड्रॉ करोगे हमारे पास प्लेन कितने टाइप्स के हैं सिग्मा सिग्मा एच हॉरिजोंटल प्लेन सिग्मा बी वर्टिकल प्लेन और सिग्मा डी डाई प्लेन क्लियर आपको ये दोनों तो ईजिली यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे मैंने कंसीडर कर रही हूँ वहाँ से ईजली ये ऑब्जर्व हो जाते हैं और सिग्मा डी हमने कहाँ पर मेंशन करने हैं ये मैं आपको वहीं पे बता दूँगी जब आप पॉइंट ग्रुप करोगे तो किस प्लेन को आपने सिग्मा डी बोलना है जब आपके पास दूसरी कोई प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट कर रही होगी उस टाइम पर सिग्मा डी की एंट्री होती है इसका मतलब आपने पहले ये दो प्लेन ही सीखने हैं मेन तो यही है ये सिर्फ आपने डेफिनेशन के थ्रू समझ लेना है कि ये क्या है कहाँ पर मेंशन करना है वो हम वहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपके पास क्या है प्लेन द ए मॉलिक्यूल प्रोजेसिज अ प्लेन ऑफ सिमिट्री इफ रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन लीव्स द मॉलिक्यूल अनचेंज्ड तो हमारे पास ऐसा प्लेन ढूंढोगे आप मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ से आप अपने मॉलिक्यूल में जब वो इमेजनरी प्लेन पास करो तो आपको ऐसा लगे कि मॉलिक्यूल की जो कन्फिग्रेशन है वो अनचेंज है ठीक तो सिग्मा भी कैसे देखोगे सिग्मा भी सबसे ईजी है किसी भी मॉलिक्यूल में देखो अभी इसके इसके ही थी ये एक्सिस यहाँ से रोटेट रहे थे ना पकड़ के इसे ऐसे रोटेट रहे थे अभी यहीं से प्लेन पास करो प्लेन क्या होता है टू डिमेंशनल डायमेंशन लेस है मतलब उसकी कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं है सिर्फ इमेजिनरी प्लेन है अभी इमेजिनरी प्लेन देखो अब ध्यान से मैंने यहाँ से पास किया ये प्लेन क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा ब्रोमीन को बोरन को और यहाँ से इस बॉन्ड को भी बाइसेक्ट कर देगा और इस फ्लोरीन को भी बायसेकट कर देगा तो मैंने ये प्लेन पास किया इसने बोरन को भी आधा काट दिया इस फ्लोरीन को भी आधा काट दिया और इस बॉन्ड को भी आधा काट दिया ठीक तो या तो वो प्लेन क्या करे सारे के सारे मॉलिक्यूल को इक्ली डिवाइड कर दे तो और या फिर इमेज भी मतलब जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं वो एक दूसरे की इमेज में जैसे यहाँ पर मैंने इसे बाइसेकट किया तो ये भी बाइसेकट हो गया ये बॉन्ड भी बाइसेक्ट हो गया नेक्स्ट फ्लोरीन भी बाइसेकट हो गया लेकिन ये दोनों फ्लोरीन क्या बन गए एक दूसरे के इमेज तो ये प्लेन क्या है हमारे पास सिग्मा वी सिग्मा वी प्लेन की आइडेंटिटी कैसे है जहाँ से आपने अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि इसी एक्सिस से आप उसे रोटेट कर रहे थे ना अभी यहीं से इसमें प्लेन पास करोगे पैरलर तो इसको कैसे याद रखना है सिग्मा वी क्यों पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सेज ऑफ़ रोटेशन यानी कि जो सी एन के पैरलर होगा वो हमारे पास क्या होगा सिग्मा वी प्लेन सिग्मा एच प्लेन क्या होता है अभी आप ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल की जो हमारी एक्सीज ऑफ रोटेशन है वो ये है यहाँ से रोटेट कर रहे हो ना इसे पकड़ कर इसके अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो तो अभी यहाँ से एक ऐसा प्लेन पास करो कि जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो परपेंडिकुलर हो ये देखो ये एक्सिस थी ये मेरा हाथ इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को या तो बाइसेक्ट कर दे या इमेज बना दे अभी हमारे पास ये प्लेन क्या था देखो ये मैंने प्लेन पास किया इसने इस फ्लोरिन को भी काट दिया इस बॉन्ड को भी काट दिया फिर इस बोरन को भी काट दिया फिर इस फ्लोरिन को भी काट दिया इस फ्लोरिन को भी काट दिया और इसके बॉन्ड्स को भी काट दिया तो ये हमारे पास क्या है सिग्मा एच प्लेन तो इसे कैसे सिग्मा एच को कैसे पहचानोगे परपेंडिकुलर टू सी एन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अभी कई बार आप आपके पास जैसे आप देखोगे जैसे जैसे हम मोलिकूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे तो आपके पास मॉलिकुलर एक्सिस भी बढ़ती चली जाएंगे जैसे आपके मोलिक्यूल के पास सी थ्री भी होगी और सी टू भी होगी तो प्रिंसिपल एक्सेज ऑफ रोटेशन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर की जाएगी जिसका एंगल क्या है छोटा है देखो इसका एंगल क्या है थ्री सिक्सटी बाय बाई वन थ्री कितना एंगल है इसका वन ट्वेंटी डिग्री और इसका एंगल क्या है थ्री सिक्सटी बाय बाई टू दैट इज़ वन डिग्री तो वन ट्वेंटी बड़ा है या वन एट्टी वन ट्वेंटी छोटा है इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है सी थ्री इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में आपने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढी मतलब एक एक्सिस ढूंढी तो दूसरी अभी मॉलिक्यूल के अंदर आ ही नहीं सकते एक्सिस कोई सी भी हो सकती है इससे भी ज़्यादा हो सकती है सपोज करो किसी मॉलिक्यूल के अंदर सी फाइव भी है सी थ्री भी है सी टू भी है तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है जो सबसे छोटी है ये सबसे छोटी है ये सेवेंटी टू डिग्री है ये वन ट्वेंटी है ये वन एटी है क्लियर तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा प्लेन प्लेन हमारे पास क्या है सिग्मा वी कैसे पहचानोगे सिग्मा वी का प्लेन कैसे देखोगे जो पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो हमारे पास होगा सिग्मा वी जो पर पेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो हमारे पास होगा सिग्मा एच ठीक उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जो लास्ट हमारा जो प्लेन है सिग्मा डी वो प्लेन कौन सा है इट लाइज बिटवीन टू सी टू मतलब जब आपके मॉलिक्यूल के अंदर दो सी टू होंगी वो डी पॉइंट ग्रुप होता है अभी आपको पॉइंट ग्रुप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तब इंट्रोड्यूस होगा ये सी डी सिगमा डी ठीक अभी ये मॉलिक्यूल्स को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि आपको प्लेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं ये सारे मॉलिक्यूल प्लेस कर रही हूँ इसमें वन बाय वन मुझे बताना यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा एच और सिग्मा वी कैसे हैं यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल था वाटर के मॉलिक्यूल की जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से है ठीक इसका मतलब उसके पैरलर से हमने प्लेन पास किया तो इसके अंदर कौन सा प्लेन है ये सिग्मा। वाटर के अंदर कौन सा प्लेन है सिग्मा वी ठीक एक प्लेन कौन सा है ये देखो ये वाला पर ये भी किसके पैरलर है ये देखो ये वाला ये मेरी एक्सिस है प्रिंसिपल और यही मेरा प्लेन आ रहा है तो इसका मतलब मेरी एक्सिस और मेरा प्लेन है जो पैरलर है एक दूसरे के ये देखो हाथ को देखो ध्यान से और ये पेन को देखो ये पैरलर है इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है कोई सिग्मा वी प्लेन ही है पर मेरे से डैश प्लेन का नेचर अलग है ये वाला सिर्फ ऑक्सीजन को बाइसेकट कर रहा है और इमेज किसकी बना रहा है हाइड्रोजन और एच की जब भी आपने शो करना हो इमेज को ऐसे शो करते हैं और किसकी इमेज क्या बन रही है सिग्मा वी डैश में क्या बनेगा सिग्मा वी डैश क्या कर रहा है बाइसेक्ट किसको किसको कर रहा है बाइसेक्ट ऑक्सीजन को भी कर रहा है हाइड्रोजन वन को भी कर रहा है हाइड्रोजन टू को भी कर रहा है पर ये दोनों है क्या सिग्मा वी डैश अभी सिग्मा अच्छे हमें पता नहीं चला ना देखो ध्यान से अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है ये वाली उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है मैंने ना ये वाला टिप यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है तो यहाँ से हमने प्लेन पास किया इसके पैरल ये वाला प्लेन पास हो गया जब हमने इस प्लेन को पास किया तो बी एफ थ्री मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो क्या क्या है बी एफ थ्री में जो सिग्मा प्लेन है वो कैसा प्लेन है किसको किसको बायसेक्ट कर रहा है बोरन को बायसेक्ट कर रहा है बायसेकट बोरोन और एक फ्लोरीन को कर रहा है और एक हमारे पास किसको बाइसेक्ट किया बी एफ बॉन्ड को ये बॉन्ड को भी किया फ्लोरीन को भी किया बोरन को भी किया और इमेज किस किस की बनाई दूसरे वाले फ्लोरीन्स की एफ़ टू की इमेज किसकी बना रही है एफ़ थ्री के साथ तो ये हमारे पास सिग्मा वी की करेक्ट्रिस्टिक्स होगी अभी ये हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है कि ये यहीं से प्लेन पास होगा यहाँ से भी तो हो सकता है तो हमारे पास सेम है सिग्मा भी एक और दिख रहा है वो कैसा है यहाँ पर इसको बाइसेक्ट किया फ्लोरीन बाइसेक्ट बोरून को किया दूसरे नंबर वाले फ्लोरीन को किया और इनके बीच का जो बॉन्ड था उसको बाइसेक्ट किया इमेज किस किस की बनाई एफ वन और एफ थ्री की तीसरे नंबर में प्लेन कौन सा है ये वाला ठीक इन दोनों की इमेज बनाई और इसको भी बायसेक्ट किया बॉन्ड को भी बाइसेकट किया ये तो हम इससे सिग्मा वीक थर्ड सिग्मा वीक कौन सा है बोरन को बायसेक्ट किया एफ़ थ्री को बायसेकट किया और उसके बॉन्ड को बाइसेकट किया और इमेज किसकी बनाई एफ टू और एफ वन और एफ़ टू की तो ये देखो रूल्स क्या है अभी ये तो मैं एफ़ वन और एफ़ टू लिख रही हूँ पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन तो तीनों इक्वल है इसका मतलब ये नोटेशन तो मैंने खुद से प्लान किया कि मैं इसे एफ़ टू बोलूँगी इसे एफ़ थ्री बोलूँगी तो इसका मतलब ये तीनों प्लेन्स क्या है सेम है तो इसे हम क्या लिख देंगे थ्री सिगमा वी अभी बचा सिगमा एच तो ये मेरी एक्सिस है मैंने एक प्लेन पास किया वो सबको बाइसेकट करते हुए जा रहा है इसको भी बाइसेक्ट किया इसको भी बाइसेक्ट किया इसको भी बाइसेक्ट किया सारे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया पर वो परपेंडिकुलर किसके हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो ये प्लेन क्या है सिग्मा एच सिग्मा एच कैसे पहचानोगे बाइसेक्ट, किसको किसको बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं बोर उनको भी किया एफ़ वन को भी किया एफ़ टू को भी किया एफ़ थ्री को भी किया और सारे बॉन्ड्स को भी किया ऑल द थ्री बोर्ड्स तो ये हमारे पास क्या है सिग्मा एच ऐसे ही आप अमोनिया में देखो अमोनिया में कौन सा प्लेन है सिग्मा एच नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि कर रहा है देखो आपने सिग्मा वी आपका पा, आपके पास सिग्मा वी कौन सा है ये वाला मैम ये मेरी एक्सीज ऑफ रोटेशन है यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेंगे इसके अलॉन्ग तो यहीं से मैंने प्लेन पास कर दिया अभी मैंने प्लेन पास किया तो वो प्लेन क्या करेगा इसके पैरलर है देखो मैंने हाथ से काटा तो यहाँ पर किसको बाइसेकट किया नाइट्रोजन को किया इस बॉन्ड को किया ये हाइड्रोजन को किया और इमेज किसकी बनाई इन दोनों की दूसरा प्लेन ये वाला इन दोनों की इमेज इसको बाइसेकट किया इस बॉन्ड को किया और इसको किया थर्ड कौन सा है ये वाला इस एटम को किया ये बॉन्ड को किया नाइट्रोजन को किया तीनों तो ये सिग्मा भी हो गया अभी सिगमा एच देखो इसके पर पेंडिकुलर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से मैंने प्लेन पास किया वो क्या करेगा इसको बाइसेकट करेगा इसको किया इसको किया लेकिन ये जो नाइट्रोजन ऊपर को उठा हुआ है दिख रहा है ये नाइट्रोजन ऊपर को उठा हुआ प्लेन में नहीं है ना इसके न, अगर उन हमारा रूल क्या है या तो ये इसको बायसेक्ट कर देता या इसकी इमेज बना देता अभी ये एटम यहाँ पर है इसके नीचे ये ना यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए था ना इसकी इमेज नहीं बनी दैट मीन्स एच एग्जिस्ट नहीं करता अमोनिया के केस में तो अभी आपका होमवर्क क्या है मैं आपको होमवर्क लिख के दे रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने अपने मॉलिक्यूल्स कौन कौन से तैयार करने हैं क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी में हमने ये मॉलिक्यूल्स स्टडी करने हैं हर बार बेंजीन अमोनिया बी एफ थ्री बी ई एफ टू ठीक एक बात और याद रखना कि ग्रुप थ्योरी में आपको पहले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए और हमारे पास एस एफ फोर सी सो शेप होती है ना इसकी ई सी एल फाइव इन मॉलिक्यूल्स में आज हमने दो सिमेट्री ऑपरेशंस किए हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसमें सिग्मा भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ़ रोटेशन इन सब की क्या है जैसे वाटर की प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने सिखाई थी सी टू है उसी तरह से इन सब की कुछ ना कुछ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ़ रोटेशन होंगी वो मुझे बताना और उसके बाद सेकेंड हमने क्या सीखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में सिग्मा वी है और किस में एच है, है या किस में दोनों ही है? हैं इन मॉलिक्यूल्स की मुझे कमेंट सेक्शन में बताना थैंक यू